हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में थ्रोस कीवर्ड का यूज कब किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझने वाले हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो थ्रोस कीवर्ड होता है उसका यूज एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। अब कौन सी एक्सेप्शन को फॉरवर्ड किया जाता है? चेक्ड एक्सेप्शन को फॉरवर्ड किया जाता है सबसे ज्यादा। या तो आप यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाए उसको फॉरवर्ड करें, या फिर चेक्ड एक्सेप्शन जो है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन मीन्स क्या? यानी कि ऐसी एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाती है उन्हें चेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है। जैसे कि आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, ईटीसी। तो इनको आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपको इनको हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कंपाइलर वाली प्रोसेस से स्किप कर दो, आगे ऑटोमेटिक इसका मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में थ्रोस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल बनाकर मैं आपको थ्रोस कीवर्ड का सटीक यूज़ बताने वाला हूँ। आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान भी है। यहाँ पर मैं फाइल राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर फाइल राइटर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि यश डॉट टी एक्स टी नेम से कोई फाइल जो है वो बन जाए मेरे सिस्टम के इनसाइट। तो जैसे ही आप फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है फाइल राइटर का वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है जो कि चेक्ड एक्सेप्शन है। ये कंपाइल टाइम पर ही चेक हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आप या तो इसे कैच कर सकते हैं या फिर आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसे फॉरवर्ड कर दें, कैच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज़ करना है। और कौन सी एक्सेप्शन है? आईओ एक्सेप्शन है। तो आप यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन को क्या करें, थ्रोस कर दें। बस देखिए एक्सेप्शन यहाँ से हट चुका है। अब आप क्या करें, आपका काम तो हो गया। अब आपको क्या करना है, जो फाइल राइटर है उसी क्लास के रेफरेंस में इसे रख देना है। और जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो यश डॉट टी एक्स टी नेम से फाइल आपके सिस्टम में राइट हो जाता है, यानी कि बन जाता है। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको क्या करना है, जो फाइल राइटर है उसके रेफरेंस से राइट नेम के मेथड को कॉल करना है और जो भी आपको लिखना है वो यहाँ इस तरीके से लिखना है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यश कोगला। तो यश डॉट टी एक्स टी नेम की फाइल के इनसाइट क्या टेक्स्ट लिखा हुआ प्रिंट होगा, यश प्रोग्राम। इसके बाद आपको क्या करना है, जो फाइल राइटर है उसको क्लोज कर देना है। बस आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। बट यहाँ पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए थ्रोस के ऊपर, कि जो चेक्ड एक्सेप्शन है उसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, थ्रोस कीवर्ड का यूज़ किया और उसकी हेल्प से आपने आईओ एक्सेप्शन को यहाँ से क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा। आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ, रन भी हुआ, यानी कि पूरा बिल्ड सक्सेस हो चुका है और यश डॉट टी एक्स टी नेम से फाइल भी बना होगा और उसके अंदर यश प्रोग्राम जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं वो भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। कैसे देख सकते हैं, ये जो आप प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर सोर्सेस का ऑप्शन है। सोर्सेस के ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस लोकेशन को आप क्या करें, यहाँ से कॉपी कर लें।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएँ, ये जो सर्च ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाकर आप इंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर yes.txt नेम से फाइल बन चुका है। मैं इसे ओपन करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए यश प्रोग्राम भी प्रिंट हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने बात किया थ्रोस कीवर्ड के बारे में। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।